नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आइए देखते हैं अब खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। डब्ल्यूटीसी फाइनल में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। जी हां दोस्तों, पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद भारत के चीफ कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट किया कि जिस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया उसने जीत हासिल की। उन्होंने आगे लिखा कि ये जीत इस बात का उदाहरण है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड आपने बेहतरीन खेल दिखाया और जिसके बदले में आपको जीत हासिल हुई। दोस्तों, टेस्ट इतिहास को अपना पहला चैंपियन मिल चुका है। जी हां दोस्तों, डब्ल्यूटीसी फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर इस चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक किन बल्लेबाजों ने जड़ी। तो पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानस लबुशेन ने सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए, जबकि भारत के रोहित शर्मा ने 4 शतक लगाए। लबुशेन और भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 9-9 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन कम मैच यानी कि 13 मैच खेलने के कारण इस सूची में लबुशेन पहले स्थान पर रहे। लबुशेन सबसे ज्यादा 1675 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पेनिसर ने कहा है कि भारत की T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को दी जानी चाहिए, कोहली इस समय दबाव में है। जी हां दोस्तों, पूर्व इंग्लिश स्पिनर मॉन्टी पेनिसर ने कहा है कि भारत की T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोहली यहां इंग्लैंड में दबाव में है और उनकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ अगर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है और आईसीसी T20 विश्व कप भी हार जाती है तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। बकौल पेनिसर उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को भारत की T20 की कप्तानी दी जानी चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यानी कि IPL में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन भी बनाया है। तो इस वजह से मॉन्टी पेनिसर का कहना है कि भारत के लिए T20 में रोहित शर्मा बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जिम में वर्कआउट करते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जी हां दोस्तों, जिसमें वे डंबल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चहल ने कैप्शन में लिखा है कि ये सब ताकत के बारे में है जो कि फिजिकली और मेंटली ताकत होगी। इसके अवज में इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साजिद मोहम्मद ने उन्हें ट्रोल करते हुए कमेंट किया कि भाई अब जल्द ही सलमान खान जैसे दिखोगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता व पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में दोषी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ फोटो सेशन में देखा गया है। जी हां दोस्तों, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार व रेसलर सागर राणा हत्या मामले में दोषी पाए गए सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने से पहले उनके साथ फोटो सेशन में दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें ऑनलाइन काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि सुशील और उनके साथियों को 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से सुशील कुमार को अब दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। खेलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए।